छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता को घेर रहा है, जहां एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार शराबबंदी करना ही नहीं चाहती। छत्तीसगढ़ शराब का गढ़ बनता जा रहा है, स्थिति बद से बदतर है। बता दें कि सरकार ने शराबबंदी को लेकर समिति तो बना दी है, लेकिन अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, जिसके चलते विपक्ष सत्ता पर हमलावर है। शराबबंदी के लिए नाम मांगने की जरूरत क्या? शराबबंदी का एक निर्णय करना है, बैठना है, तय करना है कि हमारा जन घोषणा पत्र है, इस जन घोषणा पत्र में हमने फैसला किया था और जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ में संपूर्ण शराबबंदी की जाती है। एक निर्णय लेना है, कैबिनेट में उसको जाना है, उसका क्रियान्वयन करना है। इसके लिए विधायक से पूछेंगे, फिर बस्तर में जाएंगे, सरगुजा में जाएंगे, वहाँ के लोगों से पूछेंगे, अरे भैया तुमको ये सब काम करना था तो चुनाव के समय ही कर लेते। छत्तीसगढ़ शराब गढ़ बनता जा रहा है, गली गली में कोचे सक्रिय हो गए, तो ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और सरकार को कुछ करना नहीं है।